नमस्कार नहीं। वो मैं की प्रशांत धवन नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए अभी तक गौतम अडानी पर जो भी आरोप लगे हैं यूएसए की कोर्ट में ये प्रूफ भी नहीं हुए हैं मतलब इनको गिल्टी ठहराया भी नहीं गया है ऑलरेडी कई यूएस फ्रेंडली जो आज के समय गवर्नमेंट्स हैं वो ओपनली कह रही है कि हम अडानी के प्रोजेक्ट्स अपने देश में कैंसिल कर रहे हैं रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है जहां पर केनिया के प्रेजिडेंट अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि अडानी का एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अडानी के साथ जो हमारी एनर्जी डील्स थी सब कुछ हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे फ्रेंडली कंट्री है यूएस की ओब्वियसली ये बात कर रहे हैं वहां से हमको इनपुट्स मिले हैं कि इनके साथ देखिए डील्स नहीं करनी चाहिए न जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरीके से एक इंटरनेशनल क्रैकडाउन हो रहा है और अडानी और हो सकता है कल को ये इशू ऑस्ट्रेलिया में भी फैल जाए आई नो डायरेक्ट In furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on Transparency and Accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public private partnership transaction. Me, let me repeat this for clarity. I have said that provided because of the information that has been provided to us by partner nations. An agent, I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketrago transmission in public yeah. partnership. Now, scenes yeah, seems very interesting. You केनिया ने 2.5 बिलियन डॉलर्स वर्थ अडानी ग्रुप के साथ जो इनकी डील्स थी इनको बिल्कुल कैंसिल कर दिया है यूएस कोर्ट की इंडाइटमेंट के बाद अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा यूएस कोर्ट ने अभी तक अडानी को गिल्टी ठहराया नहीं है मगर केना की सरकार कह रही है कि हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे जो हमको इनपुट्स मिले हैं उसके बेसिस पर हम जो ये दो प्रोजेक्ट्स थे ये ऑल टुगेदर कैंसिल कर रहे हैं और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है क्या आज के समय केन्या की जो सरकार है ये बहुत ज़रा करीब है यूएसए के वेल इसका आंसर है हाँ ना पहली बात तो इधर मैप में आप देख पाओगे ये एशिया का मैप ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे अफ्रीका में आपको दिख जाएगा सोमालिया के बिल्कुल साथ में केनिया देश नायरोबी कैपिटल है केनिया की आबादी बहुत बड़ी नहीं है इस देश की पाँच करोड़ के आसपास की आबादी है और केनिया आप अगर देखें तो यूएसए के साथ हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिलेशन एंजॉय नहीं करता था मगर रिसेंटली यहाँ पर एक नए लीडर आए हैं प्रेजिडेंट रूटो और प्रेजिडेंट रूटो की देखिए जो फॉरेन पॉलिसी है वहां पर ये यूएसए के साथ जो अपने रिलेशंस हैं ये सुधारने पे काफी फोकस कर रहे हैं रिसेंटली हमने देखा इसी साल केनिया के प्रेसिडेंट रूटो ये गए वॉशिंगटन डीसी में और ये पहली स्टेट विजिट थी वैसे तो देखिए अफ्रीका के कई लीडर्स हैं ये जाते रहते हैं यूएसए मगर पंद्रह सालों में हमने पहली बार देखा के एक अफ्रीकन लीडर ने स्टेट विजिट करी है टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो बाइडन ने ऑब्वियसली रेसिप्रोकेट किया और ये कहा के ये केनिया को बना देंगे एक नॉन नेटो एल आई नॉन नेटो एल आई यूएसए को डेजिगनेट करता है तो जो बाइडन आज के समय केनिया के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा तेजी से इम्प्रूव कर रहे हैं इससे होगा क्या कि केनिया ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट्स परचेज कर पाएगा यू के और यू हर तरफ से केनिया के साथ जो अपनी ओवरऑल एंगेजमेंट है ये बढ़ा रहा है और इसके बारे में एक बहुत ज़्यादा डीप रिपोर्ट पब्लिश करी है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स में जहाँ पर ये लिखा हुआ है वी मीन बिजनेस गहराते हुए रिलेशन यू एस और केनिया के बीच में और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अफ्रीका में और भी देश हैं जो केनिया की तरह इतने ज़्यादा डीप रिलेशन रखते हैं यू के साथ तो वैल नहीं आप कह लो पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रो यू एस कंट्री आज के समय अगर कोई है तो वो केनिया है इस हद तक के काफ़ी बार अफ्रीका में आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं जहाँ पर ओपनली ये कहा जाता है कि केनिया की जो कमिटमेंट है ना पैन अफ्रीकन आइडियल्स पे के जो बाकी अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन आइडियल्स पे चल रहे या नहीं चल रहे इस पर काफी बार सवाल उठाए जाते हैं क्योंकि इस देश के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं यूएसए के साथ और यूएस के साथ इन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं जिसमें यह भी है कि केनिया अपनी पुलिस फोर्स डिप्लॉय करेगा हेती में वो एक अलग टॉपिक है खैर उस पर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि फिर बहुत ही एक अलग टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा बट यहाँ पर आपको समझना होगा जो केनिया के प्रेसिडेंट रूटो ने अपने पार्लियामेंट में कहा है कि हमको फॉरेन कंट्री से पता चला है कि देखिए ये डील कैंसिल करनी चाहिए तो आप समझ सकते हैं ये यहाँ पर जो फॉरेन कंट्री है ये यू एस है और ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि जैसे ही न्यूयॉर्क की कोर्ट में अडानी और वेरियस और जो अडानी ग्रुप के लोग हैं उनको इन्वाइट किया गया सीधा उसके बाद केनिया के पार्लियामेंट में खड़े होकर इनके प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि 2.5 बिलियन डॉलर्स की डील ख़त्म और बाकी सारे पार्लियामेंटेरियंस तालियां बजाते हैं अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि जो ये एयरपोर्ट डील कैंसिल हुई है अडानी की इन केनिया और जो पावर डील्स और कैंसिल हुई हैं क्या इससे अडानी ग्रुप को बहुत बड़ा झटका लगेगा देखिए बिल्कुल ये एक सेटबैक तो है क्योंकि ये अडानी का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता अडानी के काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं भारत के बाहर मगर एयरपोर्ट एक भी नहीं है तो बिल्कुल ये एक सेटबैक और अडानी ग्रुप बिल्कुल काफी एक्साइटेड था इस डील को लेकर अब ये डील किसके पास जाएगी क्या ये डील चाइना को मिल जाएगी या फिर कोई अमेरिकन कंपनी यहां पर आ जाएगी ये देखना होगा कई लोग यहां पर पहले ही कह रहे हैं कि अब ये डील चाइना ले जाएगा देखना होगा लेट सी के यहाँ पर होता क्या है बट अभी एक लार्जर क्वेश्चन यहां पर यह है कि अडानी ग्रुप के और जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल इनका यहाँ पर म्यांमार में एक प्रोजेक्ट है उसके अलावा इंडोनेशिया में है ऑस्ट्रेलिया में इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट हाइफा पोर्ट ये इनके हाथ से तो नहीं निकल जाएगा क्योंकि आपको बताना चाहिए जो आईमैक कॉरिडोर है जिसके बारे में मैं काफी बार आपको बता चुका हूं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इसराइल का हाइफा पोर्ट और जो हाइफा पोर्ट है यह अडानी पोर्ट्स ने परचेज कर लिया था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल और यह डील 2023 में हो गई थी कंप्लीट जब 1.15 बिलियन डॉलर्स पे करके इंडिया की अडानी ने इसराइल का हाइफा पोर्ट परचेज कर लिया था तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि यूएस इंडाइटमेंट के बाद इसराइल तो अभी तक अपनी डील पे बना हुआ है इसराइल ने यह अनाउंस नहीं किया कि डील कैंसिल हालांकि अब डील ये कैंसिल कर भी नहीं सकते क्योंकि लिटरली पोर्ट बिक चुका है अब ये कह देना कि नहीं ये डील हम कैंसिल कर रहे हैं इससे इसराइल का जो बिजनेस एनवायरमेंट है इस पर भी काफी बड़ा एक क्वेश्चन आएगा बट डेफिनेटली अडानी के जो और एक्सपेंशन करने के प्लान्स थे साउथ अमेरिका में अफ्रीका में यहाँ पर कहीं ना कहीं इशूज़ सामने आएंगे और आने वाले समय में देखना होगा कितनी सारी और प्रो यूएस कंट्रीज इस तरीके से जो ये अडानी के प्रोजेक्ट्स हैं इनको कर देती है कैंसल आने वाले एक दो हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और अगेन यहाँ पे सब में एक बात याद रखना पॉसिबिलिटी ये भी है कि आज से कुछ साल बाद अडानी अगर यूएस कोर्ट में प्रूफ कर देता है कि इनका कोई यहाँ पर इन्होंने कोई कानून तोड़ा नहीं है नथिंग हैपन अगर यहाँ पे ये इनोसेंट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं यूएस कोर्ट में एक दो साल बाद उस केस में हो सकता है मैं एक पॉसिबिलिटी यहां पर यही बना के चलूंगा कि हो सकता है कि वापस अडानी केनिया में री करे इस डील के साथ तो अभी एक ट्रांजेक्शन पीरियड चलेगा यूएसए में नए प्रेसिडेंट आएंगे बहुत सारी चीजें बदलेंगी तो देखते हैं इवेंचुअली पर होता क्या है और फाइनली यहां पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन क्वेश्चन पर अफ्रीका yes, की ही बात कर रहे हैं वो कौन सा अफ्रीकी देश है जहां पर हाल ही में एक रेफरेंडम हुआ लोगों ने वोटिंग करी और वोटिंग करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि इस देश का जो संविधान है ये बदला जाएगा इस देश को एक नया संविधान मिलेगा ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस गैबो जिम्बाब्वे अल्जीरिया या फिर केनिया कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कॉमेंट को दे दूंगा हाँ ताकि समझ पाएं के सही उत्तर क्या है और फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देखिए जिंदगी में कभी कभी आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आती है जहां पे आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप करियर के हिसाब से भी बहुत आगे निकल सकते हैं ये ऑप्शन आज के समय लेके आया है स्टडी आईक्यू आपके लिए स्टडी आईक्यू मास्टर्स डिग्री और यूपीएससी प्रेपरेशन प्लान अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं अभी आप सोच रहे हैं कि आने वाले दो सालों में यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन तो करना चाहता हूं मगर कितना अच्छा होगा अगर साथ ही साथ बहुत ही आसानी से मुझे एक यूजीसी जी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी मिल जाए मेरा रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूँ स्टडी आई क्यू आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ले आया है स्टडी आई क्यूज़ यू पी प्लस एमए प्रोग्राम के अंडर यहाँ पे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि आपको मेजर एडवांटेज ये मिलेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आप वैसे ही यूपीएससी की जर्नी में पढ़ेंगे वही सब्जेक्ट्स काफी बार आपके एमए में भी आते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको क्या करना है कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पे पिंड कॉमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा यूपीएससी प्लस एम ए ईयर प्रोग्राम इधर यहां पे आपको करना है क्लिक और यहां पे आप देख पा रहे हो बहुत सारी आपको ऑप्शन दिख रही होंगी यहां पर क्या आप एम कर सकते हैं इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस में जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में एजुकेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप एम में ऐसे पढ़ेंगे जो आपको यू में हेल्प करेंगे ही करेंगे दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम कि जैसे ही अगर आपकी अभी बी खत्म हुई है आपने बैचलर्स अपनी खत्म करी है आगे का रास्ता आप देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रेपरेशन भी करिए और साथ ही साथ एक यूजीसी एफेड यूनिवर्सिटी द्वारा मास्टर्स भी करिए और ये सब आप कर पाएंगे ऑनलाइन एट योर कन्वीनियंस स्टडी आईक्यू हर कदम में आपके साथ रहेगा यहाँ पर ऑब्वियसली और जो ये यह प्राइस यहाँ पर लिखा है ये भी कभी भी पे मत कर देना सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना होगा पी डी टेन यहाँ पे आप देख पाओगे थ्री ऑफर अवेलेबल इधर आपने क्लिक किया यहाँ पे फिर एक सेक्शन आ जाता है कोड का आप यहाँ पे कोड डालोगे पीडी टेन तो बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा द प्राइसेस विल फॉल टूमेंडसली चौबीस महीने का ऑब्बियसली क्योंकि दो साल की आपकी एम होगी साथ में आप जो यूपीएससी की प्रेपरेशन है स्टडी है क्योंकि साथ वो भी आप कर ही रहे होंगे तो दो साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा यू कैन बाय दिस और ऑब्वियसली आपके माइंड में अगर ये सवाल है कि अभी मेरी तो डिग्री हुई नहीं है अभी अभी तो मैंने बस ट्वेल्थ क्लियर किया है तो क्या करूं देखिए उसके लिए हमारे पास यूपीएससी प्लस बैचलर्स प्रोग्राम भी है ये भी आप कर सकते हैं एक्सप्लोर और मैं जानता हूं बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके माइंड में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सेवन सिक्स सेवन सिक्स डबल ज़ीरो टू फोर डबल ज़ीरो इस फोन नंबर पे कॉल करके आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा आप अपने करियर में एक बड़ा ज्वाइंट लीप कैसे ले पाएंगे सो यूज करिए कोड पीर टेन क्योंकि बाकी देखिए बहुत सारे और कोर्ड्स भी हैं स्टडी आई क्यूपे बट दे जस्ट डू नॉट गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे कोड लाइव लगाते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा यूज द कोड पीरी टेन टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंध थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गर्ड्स वॉच ओवर यू